ओ भाई साहब, अगस्त का राइड अभी निकले हैं घर से। अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज गए। सो हेलो गाइस, मैं हूँ अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी मोटो ब्लॉग्स। सो गाइस, गुड मॉर्निंग और जय हिंद। और आज जा रहे हैं घाटशिला। अभी किलोमीटर हुआ है 723, तो फुल टैंक कल ही कर लिए हैं, तो आज एक माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा कितना भी माइलेज दे रहा है बाइक का सर्विस के बाद। पूरे वीडियो बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बिक्स को लेके तो मैं पहले राइड कर चुका हूँ, तो शेडू को लेके मेरा फर्स्ट राइड है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देता है बाइक। और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी जगह पे हम लोग आज जा रहे हैं, मज़ा आएगा। पूरे वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, अभी डाउनलॉप क्रॉस किया हूँ, तो एकदम रोड खाली है। जिक्सू को राइड करने के बाद एनफील्ड का क्लासिक चला के बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, मैंने ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिक्सर बहुत स्मूथ बाइक है। तो अभी देखते हैं हाईवे में जाके कितना वाइब्रेशन फील होता है। सो गाइस, अभी दक्षिणेश्वर ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ और टोटल राइड होगा 400 किलोमीटर। सुबह हो गया है और हम लोग अभी कोलाघाट में हैं। बहुत सारा राइडर्स है और 100 किलोमीटर भी के नज़दीक है, और कुछ किलोमीटर जाएंगे तो 100 किलोमीटर भी हो जाएगा। तो गाइस, पहला स्टॉप लिया है हम लोग पाशपुरा के एकदम सामने, और थोड़ी देर रुके, पानी पानी पिए, अभी जाएंगे फिर बाइक का हालात पूरा एकदम इतने ऊपर से नीचे चढ़ गया, पूरा बाइक गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। Didn't even get to cross. पीछे देख सकते हो एकदम जंगल टाइप एरिया है, पूरा जंगल टाइप एरिया है, और थोड़ी देर रुकेंगे बारिश अगर बंद हो जाए तो फिर निकल जाएंगे इधर से। रोड बहुत ही अच्छा है, और एक चीज़ मैं इधर आके एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये हाईवे है, लेकिन इधर पे जब लॉरी ओवरटेक करता है तभी इंडिकेटर यूज नहीं करता, जब उनकी मर्जी हुई तो घुसा। ये बहुत बुरी चीज़ है। घाटशिला इधर पे लिखा हुआ है 43 किलोमीटर और जमशेदपुर 85 किलोमीटर, रांची 208 किलोमीटर। तो गाइस,
सामने देख सकते हो माउंटेन, वो पूरा इधर साइड पूरा माउंटेन से भरा हुआ है और बारिश हो रहा है, रुक जा रहा है, हो रहा है, रुक जा रहा है, ऐसा फिर देखो बारिश चालू हो गया, थोड़ी देर बाद फिर रुक जाएगा। बहुत बुरी लग रहा है, बहुत बुरा चीज़ हो रहा है, हो रहा है, रुक जा रहा है, हो रहा है। देखो अभी धूप है, धूप में बारिश हो, तो एकदम नज़दीक आ गए हैं बुरुदी लेक की। तो लेकिन इधर लोकल वाले हैं, बहुत लोग हैं, एकदम ग्राम एरिया है इस तरफ, इतना अपडेटेड एरिया नहीं है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इधर लाइट वगैरह भी कुछ नहीं है। हो सकता है कि सबके घर में लाइट हो और करंट हो, लेकिन रोड्स पे एक भी लाइट नहीं है। रात को ये रास्ते में जाना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, और रास्ता भी बहुत ख़राब रोड है, पूरा ऑफ रोडिंग मिला थोड़ी देर पहले। लेकिन इस तरफ का घर कुछ दूसरे टाइप का है, मेन रोड से हम लोग 6 किलोमीटर अंदर चले आए। फिर से बारिश स्टार्ट, ओहो क्या लुक है, नज़ारा देखो, पूरा चारों तरफ माउंटेन्स और दो साइड में धान के धान चाश हो रहा है और बीच में से रास्ता है। लेकिन रोड्स का हालत बहुत ही बुरा है, सो मेन रोड से आप लोगों को लेफ्ट आना पड़ेगा। पूरा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और शिकिंग कर रहे हैं। सो ऐसा रोड है, पूरा माउंटेन के ऊपर उठ रहे हैं हम लोग ऊपर की तरफ। ओ भाई साहब, हम लोग अभी माउंटेन्स के पूरे बीच में है, रोड्स की हालत बहुत ही खराब है। एक्सपीरियंस राइडर होना ज़रूरी है और बाइक में कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइक स्लिप कर रहा है बहुत ज़्यादा। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं बुरुदी लेक। सो पीछे का नज़ारा देखो, कितना सुंदर नज़ारा है। सो मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा 360 व्यू। और ऊपर बाइक रख के आना पड़ता है, इधर पैदल आया हूँ। और नीचे लेक और चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स, बहुत ही सुंदर एरिया है पूरा बुरुदी लेक, बहुत ही अच्छा लगा। सॉरी गाइस, घर आने के टाइम शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। इस वजह से बाइक का हालत देख के आप लोग समझ सकते हो, पूरा बाइक गंदा हो गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। टोटल राइड 480 किलोमीटर हुआ है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और ज़रूर कमेंट करके बताओ कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।